आरपी टेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। वैसे फैंटास्टिक एंड गर्मा गर्म खबरें भी हम आप सभी ले लेकर आ चुके हैं, आपको सुनने में जरूर से मजा आएगा। लेकिन उससे पहले, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाइए, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग आते हैं, देखते हैं, वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक्स भी करते हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो वाई, आई मीन थोड़ा सा बुरा लगता है, तो मैं थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए भी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आता है तभी लाइक करिए, और नहीं पसंद आता तो भी डिसलाइक करिए, और बताइए कि भी क्या पसंद नहीं आया और क्या कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कमेंट में जरूर से बताइए। तो बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों सैमसंग से। फिर लगता है सैमसंग ने अपने यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है जिसे एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है सैमसंग S21 सीरीज, S22 सीरीज, इन दोनों ही सीरीज में One UI 6.1 की अपडेट को रोल आउट करने वाला है बहुत ही जल्दी। जी हाँ, जिसमें गैलेक्सी AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। क्रेजी, वैसे ये जो अपडेट है वो आने वाले वीक्स में हमें देखने को मिल जाएगी। अब देखते भाई दोनों ही सीरीज में हमें गैलेक्सी AI के फीचर्स कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाते हैं, इस बात का इंतजार है। लॉजिटेक की बात करें दोस्तों, लॉजिटेक ने अपने नए कीबोर्ड माउस का कॉम्बो लॉन्च कर दिया है भारत में, जो कि सिग्नेचर स्लिम कॉम्बो NK950 मॉडल। वैसे दोस्तों इसी की अगर बात करें कीमत की, तो भाई ये जो कॉम्बो है जिसकी प्राइस रखी है भारत में 13,995 रुपीज, और ये जो कॉम्बो है जिसे अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप इसे Amazon पर लॉजिटेक इंडिया, जो कि उनकी खुद की वेबसाइट है, वहां पर, या फिर जो नजदीकी इनके रिटेल स्टोर होते हैं ऑफलाइन स्टोर, वहां पर जाके आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सैमसंग की ओर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M55, सैमसंग गैलेक्सी M15, ये दोनों स्मार्टफोन 8 अप्रैल को लॉन्च होने वाले भारत में, जो कि हमने आपको कल ही बताया। वैसे दोस्तों लॉन्चिंग से पहले सैमसंग गैलेक्सी M15 की पूरी स्पेक्स रिवील हो चुकी है। जी हाँ, अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 6.6 इंच के में एपेच रिफ्रेश डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और ये AMOLED डिस्प्ले रहेगी दोस्तों। जी हाँ, सुपर AMOLED डिस्प्ले। वैसे इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6100 प्लस डिस्प्ले की ताकत देखने को मिलने वाली है। 50+5+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, हालांकि 13 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 6000mAh की बैटरी होने वाली है 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। वैसे एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स होगा। वैसे ये स्मार्टफोन में हमें 4 OS की अपडेट एंड 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें, तो इसका जो बेस वेरिएंट है जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी प्राइस एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है 13,499 रुपये होगी। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों इस सैमसंग गैलेक्सी M15 स्मार्टफोन की क्या प्राइस सेट करता है सैमसंग, ये तो मैं 8 अप्रैल को पता चल ही जाएगा। आज की शाम सैमसंग के नाम दोस्तों, क्योंकि अगली खबर भी सैमसंग की ओर से आ रही है। वैसे दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6, सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6, ये दोनों स्मार्टफोन में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले। अब दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 अल्ट्रा, ये स्मार्टफोन भी हमें इसी साल में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ठीक है, तो पिंच ऑफ सॉल्ट दोस्तों, रिपोर्ट्स ऐसा कह रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेट्स सी। सोनी की बात करें दोस्तों, सोनी ने फाइनली सोनी प्लेस्टेशन 5 स्लिम के जो प्राइस है इंडिया की प्राइस, जिसका अनाउंसमेंट कर दिया है, जहां पर दोस्तों सोनी PS5 स्लिम की जो प्राइस है भारत की प्राइस वो रखी है 54,990 रुपीज, जहां पर PS5 स्लिम डिजिटल जो एडिशन है जिसकी प्राइस रखी है 44,990 रुपीज। वैसे दोस्तों आप इनमें से कोई भी वेरिएंट को परचेस करना चाहते हो तो आप इसे जरूर से फ्लिपकार्ट पर, Amazon पर, या फिर सोनी के जितने भी ऑथोराइज ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं वहां पर भी जाके आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो। Redmi की बात करें दोस्तों, तो फिर Redmi 13 ये स्मार्टफोन में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्चिंग से पहले FCC सर्टिफिकेशन क्लियर कर चुका है एंड IMEI डेटाबेस पर भी आ चुका है। वैसे दोस्तों वहां से पता लग रहा है कि भी ये जो स्मार्टफोन आएगा जिसमें हमें Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, 4930mAh की बैटरी होने वाली है एंड 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगा। वैसे देखते हैं दोस्तों Redmi 13 ये स्मार्टफोन में कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है, किस कीमत पर इसे लॉन्च किया जाता है भारत में, इस बात का इंतजार है। iQOO की बात करें दोस्तों, iQOO Neo 9S Pro ये स्मार्टफोन में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है भारत में।
ग्लोबली आएगा ये नहीं पता, पर भारत में डेफिनेटली आने वाला है। वैसे दोस्तों ये जो स्मार्टफोन आएगा जिसमें मीडियाटेक डायमेंशन 9300 चिपसेट देखने को मिलने वाले हैं, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी होगा एंड ब्लू कलर ऑप्शंस में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों कहा जा रहा है कि भाई चाइना में जो iQOO Neo 9 Pro लॉन्च किया गया था इसी का ये रिब्रांड बन के भारत में आएगा iQOO Neo 9 S Pro के नाम से। वैसे देखते हैं दोस्तों स्मार्टफोनों में कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है भारत में, इस बात का इंतजार है। नेटफ्लिक्स की बात करें दोस्तों काफी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म है ये पूरे वर्ल्ड वाइड में। वैसे दोस्तों काफी शॉकिंग से भी खबर सुनने को मिल रही है नेटफ्लिक्स की ओर से, जहां पर दोस्तों नेटफ्लिक्स कहा जा रहा है फेसबुक के जितने भी यूजर्स हैं उनके पर्सनल मैसेजेस को पढ़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज किया जा रहा है फेसबुक की ओर से, क्योंकि फेसबुक भी जो नेटफ्लिक्स के यूजर्स की वॉच हिस्ट्री वो देख रहा है इसके वजह से। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये अभी फिलहाल कुछ भी नहीं पता, पर ऐसा कहा जा रहा है। वैसे दोस्तों आप नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हो या नहीं कमेंट में जरूर से बताइए। नथिंग की बात करें दोस्तों, नथिंग अपने यूजर्स को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से सर्विस दे पाए, जिसकी वजह से नथिंग ने अपना एक एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर ओपन कर लिया है, कस्टमर सर्विस सेंटर जो कि मुंबई में, और ये इंडिया में थर्ड एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर है नथिंग का। वैसे नथिंग के और भी प्लान है जहां पर वो कहा जा रहा है 2024 के एंड तक चेन्नई एंड हैदराबाद दोनों ही जगह पर अपने कस्टमर सर्विस सेंटर को एक्सक्लूसिव सेंटर को ओपन करने वाले। वैसे काफी अच्छा अप्रोच है नथिंग की ओर से, आपकी क्या सोच है इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। काम ग्रिल की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए वायर प्रोटेक्टर वो भी कम कीमत में वो भी अच्छी ब्रांड का, तो ये जो डील है ना आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों इनबिल्ट के ओर से आने वाले वायर प्रोटेक्टर स्पाइरल केबल प्रोटेक्टर अभी भी आपको काफी कम कीमत में अमेजोन पर देखने को मिल जा रहे हैं, और इसी के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों 24 PC समय देखने को मिल जाते हैं, और ये जो स्पाइरल केबल प्रोटेक्टर है वो आपके मोस्टली जितने भी वायर प्रोडक्ट्स होंगे उन सभी के लिए काम में आने वाला है, चाहे आपका USB चार्जर, चाहे आपका डेटा केबल है, चाहे आपकी ईयरफोन से। जी हाँ, ये सभी वायर की जो ड्यूरेबिलिटी है जिससे और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वैसे इसी की अगर कीमत की बात करें तो ये भी आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाए सिर्फ 100 रुपये में। वैसे काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, WWE 2K24 ये गेम कक्की आ चुकी है। वैसे दोस्तों ये गेम का जो टॉप लेवल का जो एडिशन है जो कि 14th ईयर ऑफ रेसलमेनिया एडिशन, वैसे इसमें हम एक नई DLC पैक की अपडेट देखने को मिल जा रही है, जहां पर उस टाइम पर जो रेसलमेनिया हुई थी वहां पर जो कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने आउटफिट वगैरह पहने हुए थे वही आउटफिट के साथ कुछ 6 नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल जा रहे बिल्कुल फ्री में, अगर आपके पास टॉप एडिशन है तो। अदरवाइज अगर आप ये जो DLC पैकेज इसे परचेस करना चाहते हो तो कुछ $19.99 यानी कि $20 के आपको आसपास पे करना होगा, तभी आपको ये DLC पैक की अपडेट मिल जाएगी। वैसे काफी अच्छी गेम है दोस्तों, आपने खेली है या नहीं कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्मिलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।